अगर ये रूल आ जाता है तो 90% जो प्राइवेट बाइक राइडर हैं वो इस काम को एग्जिट कर जाएंगे। उससे क्या होगा, कस्टमर होगा 100 और राइडर होंगे मात्र 10 या 5, तो उससे क्या होगा कि हर कस्टमर बहुत ज़्यादा पैनिक होगा। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और आज दिन है सोमवार और बाइक टैक्सी को बैन हुए पूरे 1 हफ्ता हो चुका है, यानी 7 दिन हो चुका है। अभी सुबह के 11:48 हो रहा है और वीडियो पोस्ट करते करते शायद 1 से 2 घंटा और हो जाएगा। बीते 20 तारीख को दोस्तों गवर्नमेंट ने एकदम से एक रूल लाई कि प्राइवेट बाइक टैक्सी जो है दिल्ली में नहीं चले, इन पे जो है बैन लगा दिया गया रैपिडो ओला उबर बाइक टैक्सी पे। तो अब ये क्योंकि इतने सालों से चली आ रही थी, तो हम जितने भी राइडर भाई लोग थे हम लोगों के लाइफ को वो इस तरीके से जकड़ लिया था कि बस अब हम इसके अलावा कुछ काम कर नहीं सकते थे। बाइक टैक्सी बैन हुए दोस्तों पूरे 1 हफ्ते तो हो चुके हैं, लेकिन अब इस पे अभी तक कोई भी नया नियम नहीं आया है। मैंने सारे पोर्टल वगैरह चेक करने के बाद और आपको ये जो है न्यूज़ वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि हम सबको ये चीज़ पता लगे कि देखिए गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को ना बैन तो तुरंत कर देती है अब, लेकिन नए नियम के लिए भाई वो बहुत टाइम ले रही है, जो कि गलत बात है। क्योंकि जब आपको किसी भी चीज़ को लेकर पता नहीं कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो आप उसको तो बंद करने से पहले भी सोचना चाहिए था कि ये चीज बंद धीरे धीरे बंद करेंगे, जिससे कि बाकी जो लोग हैं इस पे जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो उनकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये भी चीज़ सोचना चाहिए था। बट उसके पीछे किसको क्या सोचना है, क्योंकि जो काम करता है वही सोचता है उसके विषय में। मेरी सभी राइडर भाइयों की तरफ से सरकार से ये गुहार है कि जल्दी से जल्दी प्लीज़ कोई नियम लेके आया जाए। जिस तरीके से आपने तुरंत इसको इम्प्लीमेंट ला के दिल्ली में बैन कर दिया है, उसी तरीके से प्लीज़ इसको जल्द से जल्द जो है रीओपन करें और इसको सर्कुलेट करें, न्यू रूल और रेगुलेशन लेके आए, जिससे कि हम लोग बेहिचक को बिना डरे काम कर सकें और अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सके, जिस तरीके से अब तक कमाते आ रहे। अब मुझे कुछ भाइयों ने ये बोला है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमर्शियल बाइक ही सिर्फ चले, तो हम लोग तो नहीं काम कर पाएंगे। तो देखिए सर, जितने भी मेरे व्यूअर हैं या फिर जो बाइक राइड कर रहे हैं या मेरे को देख के उन्होंने शुरू कर दिया है काम या करने वाले थे, सबसे पहले तो मैं उन सभी को बोलूँगा कि देखिए हर काम का ना एक रूल और रेगुलेशन होता है, ये है। मैं पिछले 4 साल एक बार 4 साल पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि ये इलीगल है। कमर्शियल एक्टिविटी जो है ट्रांसपोर्ट से लेकर, कमर्शियल एक्टिविटी अलग हो गई और ट्रांसपोर्ट अलग हो गया। तो अभी हम लोग इस पे जो बैन लगा हुआ है दिल्ली सरकार ने, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट को लेकर लगा हुआ है, यानी कि हम किसी भी पैसेंजर को अपने प्राइवेट बाइक से एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा ट्रांसपोर्ट कर सकते और उससे पैसा अगर कमाते तो वो इलीगल है। अगर आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं, बाकी और काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और वो कर भी रहे हैं और करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है, अब तक के जो नियम के हिसाब से। बाकी पल भर में क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। दोस्तों बात ये आती है कि अगर गवर्नमेंट ने बाइक टैक्सी ओला उबर रैपिडो में काम करने के लिए 100% कमर्शियल बाइक को ही सिर्फ परमिट दे तो क्या होगा, तो इससे यही इम्पैक्ट होगा कि जो रेगुलर अभी तक काम कर रहे थे इसमें दोस्तों, जो काम करने वाले लोग थे वो 90% जो है वो पार्ट टाइमर है, 10% ही है जो सिर्फ इसी पे डिपेंड है, फुल टाइमर है। अदरवाइज सबके सब ऐसे हैं, या तो उनके पास और कुछ काम है या वो जॉब करते हैं मेरे तरह, जैसे मैं पहले भी जॉब करता था, मैं फुल टाइम करता हूँ, तो इस तरीके के लोग ज़्यादा है। तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे पीली प्लेट हो जाएंगी तो कुछ लोग तो शर्म के लिए काम नहीं करेंगे कि यार येलो प्लेट लेके बाइक को घूमना पड़ेगा, लोग पूछेंगे, सोसाइटी वाला पूछेगा, आसपास वाला पूछेगा, तो मैं उसको क्या बोलूँगा। अब तक जितने भी लोग काम करते आ रहे थे उनसे किसी को मतलब नहीं था, क्योंकि यार आप बाइक लेके निकल रहे हो, हेलमेट बैग में डाल दिया, कहीं टांग लिया, कोई कुछ पूछने वाला नहीं था। लेकिन अगर येलो प्लेट हो जाता है, कमर्शियल हो जाता है, तो जितने भी राइडर हैं उन सभी को जो पार्ट टाइम में कर रहे थे वो तो कराएंगे नहीं येलो प्लेट, वो एग्जिट कर जाएंगे और कुछ और काम स्टार्ट कर देंगे इसी तरीके के फ्रीलांसिंग में, ठीक है, लेकिन इसको परमानेंट अपना व्यवसाय या पैसा नहीं बनाएंगे। ये तो मेरा मानना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर मेंशन करो। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बस एक ही है दोस्तों, कि जल्दी से जल्दी बस रूल और रेगुलेशन आ जाए, जिससे कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो बेहिचक होकर काम वापस कर सकें, डर के ना करें। यार तमाम जगह 500 तरीके की बातें चल रही हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बातें कुछ भी होती रहे, बस मेरा मकसद ये है कि भाई रूल आ जाए जल्दी से, हम काम कर सकें, दैट्स इट।
बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस रूल आ जाए जल्दी से ताकि हम अपना काम जो है ईमानदारी से और बिना किसी से डरे बिना मुंह छुपाए काम कर सके, यही है मेरा कहना। क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है और पता नहीं कितने दिन बीतने वाला है, तो ये बहुत जो दिन बीत रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे लोगों के दिमाग में ना 50 तरीके के ख्याल आ रहे हैं, 50 तरीके के सवाल आ रहे हैं, और किसी के सवाल का किसी के मन में कुछ जवाब है तो किसी के मन में कुछ जवाब है, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं भी इंतजार में हूँ दोस्तों कि न्यू रूल आ जाए और बस जो भी है अपना काम स्टार्ट करें, और आप लोगों को इसी तरीके से मैं लाइव राइडिंग से अपने एंटरटेन करता रहूं, दिखाता रहूं, है ना, चीज़ें बताता रहूं। मिलते किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।